आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द इंशाल्लाह एक वीडियो और मैं दूंगा आपको रेंट एग्रीमेंट और सारे एग्रीमेंट के बारे से। तो आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपको सारे एग्रीमेंट के बारे से बताऊँगा कि इसके अंदर क्या क्या क्लॉज होते हैं और उसको किस तरह हम बनाते हैं और किस जगह ये अप्लाई किया जा सकता है, उसमें क्या कंडीशन वगैरह होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अभी बताते हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह। बाकी मेरे पास अभी फ्रेश कोई सारे एग्रीमेंट तो नहीं है, हाँ एक फील हुआ है जो मैंने फ्लैट सेल किया था उसका है, तो मैं उसको आपको दिखा सकता हूँ। मगर कुछ चीज़ें से मुझे ऐड करनी पड़ेंगी उसके लिए मगर, तो मैं इंशाल्लाह भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है वो एग्रीमेंट जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा था सेल का। ये देखने आप लोग, ये 100 वाले स्टैंप पेपर में बना हुआ है, इसमें क्योंकि नाम वगैरह डाला हुआ है इसलिए मैं थोड़ा दूर रख रहा हूँ ताकि किसी की प्राइवेसी ख़राब ना हो। और ये सबसे पहले जो होता है एग्रीमेंट का, मैं आपको बता दूं कि आपकी अमाउंट के ऊपर होता है एग्रीमेंट कि आप कितनी अमाउंट से करना चाह रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी जो वो कितने अमाउंट की है। अगर वो 50 लाख या इससे ऊपर की प्रॉपर्टी है तो कोशिश करें 500 वाला स्टैंप पेपर यूज़ करें। अच्छा, आजकल एक और चीज़ शुरू हो गई ई स्टैंपिंग। पहले आराम से इजीली हमें स्टैंप पेपर मिल जाते हैं जिससे हम एग्रीमेंट बनवा लेते थे, मगर अब जो है वो ई स्टैंपिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। उसके लिए आपकी NIC कॉपी की ज़रूरत होती है, वो NIC कॉपी आप देंगे स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक उस NIC कॉपी के बिहाफ पे आपको स्टैंप पेपर इशू करेगा, वरना अदरवाइज इशू नहीं होगा। हाँ, 100-150 वाला स्टैंप पेपर ईजिली मिल जाता है अभी भी जिससे हम एग्रीमेंट वगैरह बनाते हैं, लेकिन इससे बड़े जो स्टैंप पेपर हैं अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अब स्टेट बैंक से इशू करवाने पड़ते हैं या जो इसके अथॉराइज डीलर हैं उनके पास से मिलते हैं। उसके लिए भी आपको NIC कॉपी 2 दिन पहले देनी पड़ती है, तब जाके ये मिलता है। अच्छा जी, बात कहीं से कहीं चली गई, मैं आपको बताऊं कि रेंट सेल एग्रीमेंट में जो है फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है सबसे पहले जो आप भरेंगे उसमें ऑनर का नाम भरेंगे, ऑनर यानी कि सेलर, ठीक है सेलर। अच्छा, इसमें एक और है हमारी प्रॉपर्टी की लैंग्वेज में जो बोलते हैं वेंडर, और जो परचेजर होता है जो खरीद रही होती है पार्टी उसको बोलते हैं वेंडी, ठीक है जी वेंडी। दोबारा बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, वेंडर में आप सारी डिटेल डाल देंगे, वेंडी में आप सारी डिटेल उनकी डाल देंगे, नाम NIC नंबर एड्रेस। उसके बाद दूसरे पेज पे आता है प्रॉपर्टी का एड्रेस, जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो वो एड्रेस डालेंगे। फिर नीचे आपका सबसे पहला जो कॉलम आएगा, सबसे पहला क्लॉज जो आएगा उसमें आपकी अमाउंट होगी कि आपका कितने में सौदा हुआ है, कितने में डील हुई है, वो डिटेल आप डालेंगे उसके अंदर, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड कॉलम आता है कि आपकी जो पेमेंट है वो आप कितनी ले रहे हो, पार्ट पेमेंट। इसमें दो एग्रीमेंट होते हैं, एक पार्ट पेमेंट का एक फुल एंड फाइनल का। तो पहला जो एग्रीमेंट बनता है वो बनता ही पार्ट पेमेंट का है। और उसके बाद तीसरा जो क्लॉज आता है वो आता है कि रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई है और आपने बाकी अमाउंट कितने दिनों में लेनी है या देनी है, ठीक है जी। उसके बाद चौथा जो क्लॉज आता है उसमें आपके सारे ड्यूज होते हैं, यूटिलिटीज़ वगैरह, प्रॉपर्टी टैक्स और XYZ जितने भी टैक्सेस होते हैं उसके बारे में होता है। वो बाहमी रजामंदी से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत जो ड्यूज वगैरह कमी बेशी करानी होती है वो आपस में करके किया जा सकता है, उसको कट ऑफ किया जा सकता है। अच्छा, एग्रीमेंट में आप जहाँ पे भी अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है, कट ऑफ होता है, तो मैं आप लोगों की नॉलेज में बताता चलूँ कि वहाँ पे दोनों पार्टियों का, सेलर परचेजर दोनों का एक एक साइन जहाँ पे कट ऑफ हुआ है वहाँ पे करवाएं लाजमी, ठीक है जी। उसके बाद पांचवा जो आता है वो आता है कि ये जो सेलर है उसने इसकी प्रॉपर्टी तमाम चीज़ों से क्लियर है, यानी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, ये वो तमाम चीज़ों से क्लियर है। छठा जो कॉलम आता है वो आता है कि सेलर जो है वो तमाम जो इसके ऊपर यूटिलिटीज़ हैं और वो इस चीज़ का भी पाबंद है कि वो आपके नाम पे पावर या सैलिट कराने, ट्रांसफ़र कराने का या मोटेशन कराने का पाबंद होगा, वो इस चीज़ से मुनरिफ नहीं हो सकता। और सातवां कॉलम जो आता है वो आता है कि भाई इसके अंदर कि अगर दोनों पार्टियों में से कोई भी बैक होता है सेलर या परचेजर, तो वो अगर परचेजर बैक होगा तो उसने जो अमाउंट पे की भी होगी ऑनर को वो फॉरफिट हो जाएगी, यानी कि ऑनर उसको जब्त कर लेगा। और अगर ऑनर पीछे हटता है तो उसके अंदर ये होगा कि ऑनर उस अमाउंट का डबल देगा परचेजर को, ठीक हो गया जी। आखिरी नवा कॉलम जो है, सॉरी आखिरी नहीं है, सेकंड लास्ट कॉलम है, नवा कॉलम में ये है कि ये दोनों बाहमी रजामंदी से इस एग्रीमेंट पे राजी हैं और इस वजह से ये एग्रीमेंट हो रहा है। और आखिरी उसके बाद कोई इतना ख़ास नहीं है, बस एक नॉर्मली कॉलम होता है कि दोनों इसके पाबंद रहेंगे, इसके मुनरिफ नहीं होंगे।
और उसके बाद आ जाता है जी नीचे वेंडर का साइन, फिर उसके NIC नंबर, उसके बाद उसके नीचे आता है वेंडी का साइन और उसके NIC नंबर, साइड में विटनेस आता है। विटनेस जो परचेजर पार्टी की तरफ से होगा या सेलर पार्टी की तरफ से होगा वो सेलर के साथ विटनेस डालेगा, और जो परचेजर पार्टी की तरफ से होगा वो परचेजर पार्टी के साथ विटनेस डालेगा। उसके बाद आखिरी पेज पर आती है स्लिप। स्लिप पे बहुत से लोग टिकट लगाते हैं, बहुत से लोग नहीं लगाते, मगर मेरा मशवरा ये है कि टिकट लगाया करें और थंब भी लगवाया करें, क्योंकि ये आपके पास प्रूफ होता है। ठीक हो गया जी, ये हमारा होता है टोटल सेल एग्रीमेंट। तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें अगर किसी को कोई सवाल हो, कुछ हो, तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है, और इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात भी होगी। कुछ बारीकियाँ हैं इसकी, वो भी बताऊँगा, और किसी को कोई काम हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बता सकता है। इंशाल्लाह मैं जो रहनुमाई कर सकूँगा करूँगा आपकी। ठीक हो गया, मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।